डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग कार्बनिक रसायन वाले जो चैप्टर है उसके लास्ट वाले पार्ट्स या चैप्टर बोलिए उसको पढ़ रहे हैं। तो पिछले दिन हम लोग एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ा था कि एंटीबायोटिक क्या है और एंटीसेप्टिक क्या है। एक्चुअली एंटीबायोटिक मुँह द्वारा अंदर लिया जाता है पेट में, और एंटीसेप्टिक बाहर की त्वचा पर यूज किया जाता है। हालांकि दोनों का एक ही काम है, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से होने से बचाव करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नए टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है उपशामक। उपशामक, अब ये उपशामक क्या है? ठीक है, उपशामक हमेशा आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जो रोगी को उत्तेजना, मानसिक तनाव यानी कि मन में हमेशा टेंशन रहता है उसको, यानी कि कहीं ना कहीं एक ये भी रोग का ही एक प्रकार है कि जो लोग हमेशा उत्तेजना में रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा चीज़ों को लेकर ना उनमें थोड़ा सा ताना तानी रहता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को तुरंत फट से सीरियस ले लेते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा उनका माइंड हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन एक भी सोच पूरा नहीं होता है सिवाय उनका टेंशन और बढ़ता जाता है और बढ़ते जाता है। तब हम इसको उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए एक ऐसे केमिकल का यूज करते हैं जो इनकी रक्षा कर सके, इनका जो तनाव है उसका कम करे, तब हम इसको उपशामक कहलाते हैं। यानी कि उपशामक एक ऐसी केमिकल्स है, ऐसा रसायन है जो टेंशन को दूर करे, जो उत्तेजना को दूर करे, राइट। तो उसको हम लोग उपशामक नाम दे देते हैं। चलिए फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए उपशामक के बारे में। लिखेंगे वैसे रसायन जो रोगी को उत्तेजना कौमा मानसिक तनाव तथा चिंता को कम करे उपशामक कहलाता है। उपशामक कहलाता है, जी हाँ। तो उपशामक का मतलब समझ में आ रहा है, जो उत्तेजना या मानसिक तनाव को कम करता है उसको उपशामक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एरो दिया जाए। उपशामक का दिमागी उपचार में व्यवहार किया जाता है। दिमागी उपचार में व्यवहार किया जाता है इसलिए इसे मनोचिकित्सीय औषधि भी कहते हैं। मनोचिकित्सीय औषधि भी कहा जाता है। देख लो, अब उपशामक का अगर इलाज अगर बोला जाए तो ये मानसिक बोल सकते हैं, मानसिक बीमारी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्त, इसको समझाने के लिए। मान लो एक छोटा सा बच्चा है करीबन 2-3 साल का, और उसको आप बोल दो खेल रहा होता है और गलती से ना वो गिर जाता है, और आप उसको बोलो कि तुम्हारा जो है ना सर फूट गया है, पूरा ब्लड चल रहा है, रे राम पूरा क्या होगा। वो लड़का को पता नहीं है कि रियलिटी में क्या उसका सर फूटा है कि नहीं, उसको एक्चुअली दिख नहीं रहा। आप उसको बोल रहे हैं अरे बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, रे बाप कैसे तुम्हारा ये होगा, पूरा फट गया है। वो जान के बच्चा क्या होने लगता, रोने लगता फटाफट कि अरे बाप बहुत भयानक टाइप में हो गया। उसको हालांकि दर्द वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, ना कुछ हुआ है, लेकिन आपके प्रेशर में आकर वो और उसको रियलिटी समझने लगता है। तो उपशामक ये बोलो या फिर मनोचिकित्सीय औषधि बोलो, तो इसका उपचार वही है। यानी कि मनोचिकित्सीय का मतलब आपको दिमागी व्यवहार, यानी कि आपके दिमाग में ऐसा ऐसा कुछ बोला जाए, ऐसा सोचवाया जाए ताकि आप टेंशन से दूर होते रहें, तो ये मनोचिकित्सीय औषधि भी इसको कह सकते हैं।
इसे उपशामक को, है ना। तो कहने का मतलब है कि रियलिटी कुछ होता नहीं है, लेकिन मन में ऐसी गंदी भावनाएं, गलत चीज़ें आ जाती है, जिसके वजह से आप हमेशा टेंशन में रहते हो, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। तो इसको दूर करने के लिए ना मनोचिकित्सीय औषधि भी इसे कहा जाता है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए उपशामक के रूप में, उपशामक के रूप में उपयोग होने वाली दवाइयां निम्नलिखित हैं। उपशामक के रूप में उपयोग होने वाली दवाइयां निम्नलिखित है। अब देखिए उपशामक में जो होने वाली, उपयोग में आने वाली दवाएं हैं वो कौन कौन सी दवाएं हैं उसके नीचे लिख लीजिए। पहली दवा का नाम नंबर ए में बारब्यूरेट, ये नाम ना याद रख लीजिएगा, बारब्यूरेट। ये सब दवा किसके लिए काम करता है, जो हमेशा टेंशन में रहता है, जो हमेशा उत्तेजना में रहता है, कि कोई भी चीज़ बोल दीजिए तो हमेशा खिसिया कर ही बोले लगता है, मतलब हमको खा जाएगा ऐसे करके, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अलग अलग अपना क्राइटेरिया है बात करने का, बोलने का, और कितने ऐसे लोग हैं कि आप उनसे गुस्सा कर भी बोले ना तो आप वो हमेशा नॉर्मल होकर बात करते हैं, हाँ बोलिए भाई क्या है, या अपना गलती स्वीकार। कितने लोग हैं कि गलती कर भी देते हैं फिर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तो वैसे उत्तेजित व्यक्ति को अगर इलाज करना हो, या जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो बारब्यूरेट देंगे, या फिर दूसरी दवा का नाम है ल्यूमिनल, ल्यूमिनल ये लिखते चलिए, सब दवाएं हैं। सी में लिखा जाए सैकोनल, सैकोनल। डी में लिखा जाए इक्वानिल, इक्वानिल। ई में लिखा जाए वेलियम, वेलियम। एफ में लिखा जाए कंपोज, कंपोज। तो कुल मिलाकर ये कुछ दवाएं हैं, ठीक है, ये कुछ दवाएं हैं जिनके उपयोग से हम लोग उपशामक का रोगियों का इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको लिख लिया जाए, ये सब कुछ उपयोगी दवाइयां हैं। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे उपशामक के बारे में। अब हम लोग आइए नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, वो टॉपिक का नाम है एंटी फर्टिलिटी दवाइयां, एंटी फर्टिलिटी दवाइयां, ठीक है, एंटी फर्टिलिटी दवाइयां। इसको हम लोग अपनी भाषा में गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, गर्भ निरोधक गोलियां। तो ये अब टॉपिक हम लोग बनाए हैं एंटी फर्टिलिटी दवाइयां, अब इसको हम लोग गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं। एक्चुअली महिलाएं जो हैं गर्भ से बचने के लिए चाहती हैं, कभी हमें बच्चे उत्पन्न नहीं करने हैं, तो कुछ रसायन का उपयोग करती है। और उस रसायन वो क्या करते हैं, जो गर्भ में, पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, वो ऑटोमेटिक उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है वो केमिकल से। यानी कि जो भी महिलाएं चाहती हैं कि अभी हम बच्चे उत्पन्न न करें, तो वो इन गोलियों का इस्तेमाल कर सकती है, जिसको एंटी फर्टिलिटी दवाइयाँ कहते हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ कहते हैं। चलिए इसके बारे में फर्स्ट एरो लिखा जाए। पहला एरो, महिलाओं द्वारा गर्भ से बचने के लिए, महिलाओं द्वारा गर्भ से बचने के लिए जो दवाएं ली जाती है, जो दवाएं ली जाती है उसे एंटी फर्टिलिटी दवाइयां कहते हैं, उसे एंटी फर्टिलिटी दवाइयां कहते हैं। जी हाँ, एंटी फर्टिलिटी, जो महिलाएं ये चाहती हैं कि अभी बच्चे उत्पन्न ना करें, अभी बच्चे पैदा ना करें, तो उस स्थिति में वो कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करती है, आसम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको एंटी फर्टिलिटी दवा कहा जाता है। तो उसके नीचे जो डेफिनेशन लिखें, उसके नीचे में लिखा जाए जैसे, जैसे एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन, ठीक है, कॉमा आईपील, आईपील। तो ये सब दवाएं हैं, एस्ट्रोजेन या आईपील, आप खुद ये सब दवा है, और इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं गर्भ निरोधक गोलियां में। हालांकि ये जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं लगातार 21 दिन तक लिया जाता है, ठीक है,
यानी कि एंटी फर्टिलिटी दवाइयाँ जो हैं लगातार ली जाती है 21 दिन तक। और आपको जानना चाहिए कि जो महिलाएं ये दवा बार बार यूज करती है तो उनका साइड इफ़ेक्ट भी पड़ता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनका वज़न बढ़ जाता है। इसलिए देखते हैं ना कुछ महिलाएं पूरे उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनके उनमें उनका जो पूरा बॉडी है वो फैलने लगता है। तो कुल मिलाकर ये एंटी फर्टिलिटी दवाइयाँ का क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, इसके वजह से उनमें ये ग्रोथ आता है। तो उसके नीचे फिर से लिखा जाए एंटी फर्टिलिटी का सेकेंड एरो में लिखेंगे, एंटी फर्टिलिटी दवाइयाँ लगातार 21 दिन तक ली जाती है। एंटी फर्टिलिटी दवाइयाँ लगातार 21 दिन तक ली जाती है। जी हाँ, आपको समझना चाहिए कि जो गर्भ से बचने वाली दवाइयाँ महिलाएं लोग इस्तेमाल करती है लगातार 21 दिन तक खाना पड़ता है, और इसके उपयोग से ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो लिखा जाए नेक्स्ट एरो देकर उसके नीचे, एंटी फर्टिलिटी दवा के उपयोग से, एंटी फर्टिलिटी दवा के उपयोग से रक्तचाप का बढ़ना, यही रक्तचाप को ब्लड प्रेशर कहते हैं ना, इंग्लिश में ब्लड प्रेशर, हिंदी में रक्तचाप, रक्तचाप का बढ़ना कॉमा वजन का बढ़ना आदि साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। वजन का बढ़ना आदि साइड इफ़ेक्ट, इफ साइड इफ़ेक्ट को इंग्लिश में लिख लीजिएगा, साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। तो ये आज हम लोग दो टॉपिक्स को पढ़ें, पहला उपशामक और दूसरा एंटी फर्टिलिटी दवाइयाँ। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले न्यू टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।